आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप घर पर आसानी से फेस वॉश को तैयार कर सकते हो। जी हां, बहुत सारे व्यूवर्स की डिमांड पर ये आज का वीडियो लेकर आई हूं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम प्लीज कोई DIY फेस वॉश बताइए ताकि हम घर पर उसको बना सकें और उसका पूरा पूरा फायदा उठा सकें। तो मैंने सोचा कि मेरे होते हुए आपको मार्केट के प्रोडक्ट लेने की जरूरत क्या है, तो क्यों ना मैं ही आपको बता दूं कि कैसे घर पर आप एक फेस वॉश को तैयार कर सकते हो कि जो कि पूरी तरह से नेचुरल होगा, कोई केमिकल नहीं होगा और वो आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा बल्कि बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, ये जो फेस वॉश मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूं, सारे के सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर नेचुरल होंगे, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और ये फेस वॉश ना आपकी स्किन की ड्राइनेस को भी दूर करेगा, ठीक है, और आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो भी लाएगा। और साथ साथ अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां या रिंकल्स, झुरियां वगैरह, स्पॉट्स वगैरह, कुछ भी स्किन प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी लाइटन होना स्टार्ट हो जाएगी। लंबे समय तक फॉलो करने से, इस फेस वॉश से आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं यानी कि पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में छोटू सा बेल आइकन आ रहा होगा उसे जरूर प्रेस कीजिए, तभी आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। और मुझे साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, मेरा दूसरा चैनल है इंडियन वाइफ ऑन ड्यूटी, उसको भी सब्सक्राइब करके मेरे उस फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। तो देखते कैसे बनाना है हमने ये फेस वॉश। होममेड फेस वॉश को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक क्लीन बोल ले लिया है। अब इस क्लीन बोल के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर डालूंगी ओट्स पाउडर। ओट्स यानी कि जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो का पाउडर जिसे बोलते हैं ओट्स। ओट्स के अंदर सेपोनिन होता है जो कि हमारी स्किन के लिए नेचुरल क्लींजर का काम करता है, हमारी स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है, एक्ने पिंपल्स या फिर स्किन पर रैशेज जो होते हैं उनको क्योर करता है। तो ये जो ड्राई स्किन होती है ना, उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और विंटर सीजन है और विंटर सीजन में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ये जो फेस वॉश हमारा तैयार होगा इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है ओट्स। तो ओट्स के यहाँ पर मैं 4 चम्मच भर के ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 स्पून्स ओट्स का पाउडर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर लूंगी। मिल्क पाउडर यहाँ नेस्ले का ले रही हूँ, कोई भी आप मिल्क पाउडर ले सकते हो। यहाँ पर जो मिल्क पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ ना, ये हमारी स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और स्किन के ड्राइनेस को दूर करता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो उनको रिड्यूस करता है। तो मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर भी डाल रही हूँ। इक्वल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है, यानी कि 4 चम्मच ओट्स और 4 चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गाइस, वो है ऑरेंज पील पाउडर। अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर ना हो, लेमन पील पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को दूर करता है, स्किन पर स्क्रबिंग का काम करता है, नेचुरल क्लींजर है, ये हमारी स्किन प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है और स्किन की ड्राइनेस को भी दूर करता है। तो मैं यहाँ पर भरकर 3 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर डाल रही हूँ। ऑरेंज पील पाउडर ऐड करने के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी का 1 सेशे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। 1 सेशे यानी कि 1 चम्मच के करीब ये होगा। ग्रीन टी हमारी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को दूर करती है, स्किन को निखारती है और स्किन पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ग्रीन टी का मिलता है, तो इसलिए मैं 1 सेशे ग्रीन टी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये 1 सेशे ग्रीन टी मैंने ऐड कर दी है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले घर का बना हुआ ये फेस वॉश जो है ना, आपकी स्किन पर निखार तो लाएगा ही लाएगा, साथ साथ आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करेगा, लाइटन करेगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि होममेड फेस वॉश की वीडियो हमारे साथ शेयर करो, तो मैंने पहले भी ये वीडियो डाला हुआ है कि घर पर आप कैसे फेस वॉश तैयार कर सकते हो। उसके अंदर कुछ अलग इंग्रेडिएंट हैं और ये इंग्रेडिएंट जो हैं कुछ अलग हैं, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ।
मुलेठी पाउडर जो है ना स्किन की पिगमेंटेशन को दूर करती है और स्किन की रंगत को निखारती है। तो इसके बिना तो फेस वॉश भैया अधूरा है, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच मुलेठी पाउडर के भी ऐड करूँगी। तो 2 चम्मच मैंने मुलेठी पाउडर भी डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और मैंने एक ये कांच का जार ले लिया है, कंटेनर है ये, इसके अंदर मैं इसको शिफ्ट करूंगी। आप किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी भी बॉटल के अंदर इसको शिफ्ट करके रख सकते हैं, बस आपने एयर टाइट लेना है ये, ठीक है ना। इसके अंदर हवा क्रॉस नहीं होनी चाहिए और गीले हाथ आपने इसके अंदर नहीं लगाने हैं। अगर आप इसमें गीले हाथ इस्तेमाल नहीं करोगे ना, बिल्कुल ड्राई रखोगे इसको, तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, यानी कि 6 से 7 महीने तो बहुत आराम से चल जाएगा। आप अपने वॉशरूम में इसे रख दीजिए, जब भी नहाने जाएं या फिर फेस वॉश करने जाएं, तो थोड़ा सा लें और अपने फेस को वॉश करें। पहले मैं इसके अंदर इसको डाल देती हूं, फिर बताती हूं कि इसके अंदर क्या मिक्स करके आपने अपने फेस को वॉश करना है। ये इस तरह से मैंने एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको डाल लिया है। ये बहुत आराम से 6 से 7 महीने तक आपका चल जाएगा, और आपने इसको टाइट बंद कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से टाइट बंद करके अपने वॉशरूम में रख लीजिए, और जब भी आपने फेस वॉश करना होगा ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है आपने। ऐसे ही आपने इसको अप्लाई करना होगा, तो आप इस तरह से थोड़ा सा लीजिए अपने हैंड पर ऐसे, और या तो कच्चा दूध ले लीजिए, ठीक है ना। कच्चा दूध दी बेस्ट है वैसे तो, अगर आपको भूल गया है, जैसे कि बाथरूम में आप, और आप इतना झंझट नहीं होता कि यार पहले दूध लेकर जाऊं और फेस वॉश रखूं, तो इतने झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, और नहीं तो आप दूध लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से थोड़ा सा अपने पाम पर ही डाल लीजिए इसके ऊपर, और एक पेस्ट सा तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये पेस्ट बन रहा है, और इस पेस्ट को आपने अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। तो ये मैंने अपने हैंड पे जो लिया है, इस तरह से आपने इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। इस तरह से थोड़ी सी जो है ना मसाज भी हो जाएगी, स्किन की स्क्रबिंग हो जाएगी, और बीच बीच में पानी का हाथ या फिर दूध का हाथ इस तरह से आपने गीला करके मसाज करनी है। अगर डेली आप अपनी स्किन को इसी के साथ वॉश करोगे ना, तो आपकी स्किन एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, और स्किन प्रॉब्लम जो है ना वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। खासकर पिगमेंटेशन जैसे होती है, या स्पॉट्स हो जाते हैं, झुर्रियाँ हो जाती हैं, रिंकल्स जैसे कि, तो वो सब दूर हो जाएंगी और स्किन एकदम से टाइट हो जाएगी, कसाव आ जाएगा स्किन में। बस ये हो गया, और फिर पानी के साथ अपनी स्किन को साथ के साथ वॉश कर दीजिए, आपकी स्किन एकदम से सॉफ्ट एंड ग्लोइंग हो जाएगी। सो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है ना, तो फटाफट से लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और किस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ, नीचे कॉमेंट करके जरूर जरूर सजेस्ट कीजिएगा, और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर पक्का शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय।